रूस के हमले की वजह से हजारों की संख्या में भारतीय विशेषकर स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंस गए हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मुल्क में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है, जिसके लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए हंगरी और पोलैंड की सीमाओं के जरिए सरकारी दलों को भेजा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में मौजूद भारतीय एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं। इस मुश्किल समय में जिससे जो भी हो रहा है वो करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया में ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, खासकर विभिन्न देशों से गए छात्र, वहां कितनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोगों को ट्रेन में लंगर खाते हुए दिखाया गया है। वायरल हो रहा ये वीडियो उस ट्रेन का है जो यूक्रेन के पूर्व से पश्चिम की ओर लोगों को पहुंचाने जा रही थी, जिसमें हरदीप सिंह नाम का एक शख्स लोगों के लिए ट्रेन में लंगर चला रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग चलती हुई ट्रेन में कैसे खाना खा रहे हैं। ये वीडियो अब काफी वायरल हो रही है। हर कोई इस शख्स की तारीफ कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हरदीप सिंह विभिन्न देशों के बहुत से छात्रों को लंगर और सहायता प्रदान करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।